फूड चैन क्या होता है यहाँ पे, जैसे आप जानते हो जो ग्रास होता है ना, ग्रास को कौन खाता है, ग्रास ऊपर खाता है ना, और ग्रास ऊपर को कौन खा जाता है, फ्रॉग, और इस फ्रॉग को कौन खाता है फर्दर, ईगल, है ना। ये नहीं, वहाँ पे उसको मत देखो, वो ठीक है वहाँ पे। अब देखो अगर इस वाले चैन को, ग्रास, ग्रास को किसने खाया, ग्रास ऊपर, है ना, जो ग्रीन कलर का एक इंसेक्ट आता है आपने देखा होगा, ठीक है, ग्रास, ग्रास ने, ग्रास ऊपर ने खाया, फिर ग्रास ऊपर को किसने खा लिया, फ्रॉग ने खाया, अब फिर फ्रॉग को कौन खा जाता है फाइनली, ईगल, है ना, फ्रॉग को कौन खाता है, ईगल। तो अब अगर इस पैटर्न को देखो यहाँ पे, है ना, ये जिस सिक्वेंस में एक दूसरे को लोग कंज्यूम कर रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं, इसको आप फूड चैन बोलते हो, क्या बोलते हो, फूड, है ना, ये एक तरह का फूड चैन हुआ, है ना, एक चैन है, क्या एक तरह का चैन है, किसका चैन है, खाने का, ये फूड चैन हुआ। अब सवाल आता है फूड वेब क्या होगा, फूड वेब में क्या होता है, वो भी ऐसा ही होता है, बट वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। फूड वेब कैसा होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मान लो ये ग्रास, ग्रास ऊपर ने खाया, फिर ग्रास ऊपर को कौन खा रहा है यहाँ पे, कोई और, मान लो यहाँ पे ग्रास ऊपर जो है उसको मान लो ईगल खा जा रहा है, या फिर कोई दूसरा कोई खा जा रहा है, इसको कोई और भी खा सकता है, कौन खा सकता है, इसको स्नेक खा सकता है। अब मान लो स्नेक को वापस से किसने खाया, ईगल ने खाया, इस ईगल को किसने खाया, मान लो ये ऑफ हो जाता है तो लायन ने खा लिया, दिख रहा है, ये अब वेब है, क्या है, वेब, वेब यानी मकड़ी का जाल, देखा है आपने, वेब, उसको वेब बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, वेब बोलते हैं। तो मकड़ी का जो जाल होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है, कुछ इस फॉर्म के अंदर ऐसे 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 करके कॉम्प्लिकेटेड होता है। सिमिलरली आप इसको फूड वेब बोलोगे, और फूड चैन क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ये सिंगल है ना, फूड चैन जो होता है, बार बार, फूड चैन जो होता है वो कैसा होता है, एकदम सिंपल होगा, है ना, एक के बाद एक वहाँ पे जो भी एनिमल्स होंगे, जो भी इंसेक्ट्स होंगे, वो कैसे होंगे, एक के बाद एक होंगे, वो आपका फूड चैन होगा। और फूड वेब के अंदर क्या होता है, आप अगर देखो तो पूरा सब कॉम्प्लिकेटेड है, एक दूसरे को सब खा रहे हैं, कोई किसी को भी, है ना, वहाँ पे कोई एक पैटर्न नहीं है, वहाँ पे पैटर्न बहुत सारे अलग अलग सीक्वेंस में, अगर आप अपने बुक में देखो तो वो बाजू वाले में देखो, पहले में फूड चैन है, ये पहले वाले पेज में यानी 258 में देखो तो फूड चैन है, दिख रहा है आपको 258 पेज नंबर 258, वहाँ पे ऊपर जो आपको पिक दिख रहा है वो फूड किसका है, फूड चैन का है ना, सब लाइन से है, कैसे सब, अगर जो ग्रास है, ग्रास को ग्रास ऊपर ने खाया, फ्रॉग ने खाया, स्नेक ने खाया, फिर ईगल, ये एक अपना पैटर्न, एक सीक्वेंस है, ये फूड चैन। फिर दूसरा फूड चैन कौन सा है, ट्री है, ट्री को किसने खा लिया, डियर ने, हिरण ने खा लिया, है ना, यहाँ पे डियर ने खाया, फिर उसको कौन खा जा रहा है, टाइगर खा रहा है, तो एक तरीके का ही क्या हुआ आपका, फूड चैन। अब अगर फूड वेब में देखो बाजू में, दिख रहा है वो कॉम्प्लिकेटेड एकदम, बाजू में 259 पेज नंबर पे, वहां पे अगर देखो फूड वेब के अंदर क्या है, दिख रहा है कुछ, है ना, अलग अलग एनिमल्स को कहीं से कोई भी खाया जा रहा है ना, एक ही एनिमल है, इज बीइंग ईटन बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल, वन और मोर देन टू एनिमल, ठीक है, वो दो या दो, एक या दो से ज्यादा एनिमल के द्वारा खाया जा रहा है, दिख रहा है पेज नंबर 259 पे, आपका क्या हो गया, फूड वेब, वेब है ये फूड चैन, तो वो पहला वाला था, ठीक है, चलो। तो ये फूड चैन और फूड वेब की अपने यहाँ पे बात कर लेते हैं, फूड चैन और फूड वेब में बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे खाने की बात करेंगे, इसकी फूड की बात होगी यहाँ पे। तो अगर आप देखो, है ना, सबसे पहले पे यहाँ पे अपने इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सबसे पहले लेवल पे कौन आता है पता है आपको, सबसे प्रोड्यूसर आता है, कौन आता है सबसे पहले लेवल पे, देखो फूड का ना एक लेवल होता है, किसका, फूड का क्या होता है लेवल, जिसको क्या क्या बोलते हो, ट्रॉफिक लेवल, कौन सा लेवल, है ना, ट्रॉफिक, कौन सा लेवल की बात करेंगे, ट्रॉफिक, ट्रॉफिक का मतलब ही होता है फूड, क्या होता है, ट्रॉफिक का मतलब फूड होता है ना, ये बात याद रखना, ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, फूड होता है। तो अपने ट्रॉफिक लेवल की बात कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, है ना, ऑर्गेनिजम्स की किसकी बात कर रहे हैं, ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चलो, ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड। और अगर यहाँ पे आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है ना, अपने इसके अंदर बात करते हो, सबसे पहले नंबर पे देखो आप, ट्रॉफिक लेवल में आता कौन है, सबसे पहले नंबर पे, कल भी अपने देखा था, कौन आता है सबसे पहले नंबर पे, प्रोड्यूसर आता है, ऑब्वियस बात है, कौन आता है, प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, ठीक है, प्रोड्यूसर मतलब होता है आपका ऑटोट्रॉफ, प्रोड्यूसर को आप और भी क्या बोल सकते हो, ऑटो, ऑटोट्रॉफ होता है, ऑटो मतलब क्या, ऑटोमेटिक, खुद से, ट्रॉफ मतलब क्या होता है, फूड, ऑटोट्रॉफ का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने खाने खुद से बनाए, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म, दे मेक देयर फूड डायरेक्टली बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे आर, दे कम अंडर द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफ और प्रोड्यूसर, है ना, प्रोड्यूसर मतलब जो खुद से अपने खाने को बना रहे, ये आपका पहला लेवल हुआ आप, और इसको आप ये भी बोलते हो प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉफ, और ये कौन से लेवल का पता है आपको, सेकंड लेवल पे कौन आता है पता है आपको, सेकंड लेवल पे कंज्यूमर आता है, कौन आता है, पहले पे प्रोड्यूसर आया, दूसरे पे
कंज्यूमर, जिसको आप क्या बोलते हो, ये आपका क्या था, ये ऑटो, ये प्रोड्यूसर था। सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे आता है कंज्यूमर, है ना। अगर आप देखो सेकंड थर्ड फोर्थ, टोटल कितने आपके पास, चार है, चार तरह के लेवल है। आपकी टेक्स्ट बुक में आपको दिख रहा होगा, वो इस तरह का ट्राइंगल पिक्चर दिख रहा है। टोटल फोर टाइप के लेवल है, कितने, फोर टाइप के लेवल है। अब देखो फोर टाइप ही क्यों है, फाइव टाइप क्यों नहीं है, इसका इसका ये जो रीजन है वो भी अपने देखेंगे। पहले देखते हैं फोर टाइप कौन से हैं। पहला कंज्यूमर होता है, जिसको आप प्राइमरी, अब देखो ये तीनों जो ऊपर के बच गए ना, तीनों के तीनों क्या कंज्यूमर ही है, क्या है तीनों के तीनों, तीनों के तीनों अगर आप देखो तो कंज्यूमर ही है। ये जो तीनों, एक ही यहाँ पे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर कौन है, सिर्फ और सिर्फ। बाकी जो ऊपर के आते हैं सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, ये तीनों के तीनों क्या है, कंज्यूमर है। और कंज्यूमर के अंदर ये कौन से कंज्यूमर होंगे आपके, प्राइमरी कंज्यूमर, कौन से, प्राइमरी, और ये सेकेंडरी, और ये कौन से होंगे आपके, टर्शियरी, है ना, ये कौन से होंगे, टर्शियरी होंगे। पहला प्रोड्यूसर हो गया, और बाकी ऊपर के जो होते हैं सेकंड थर्ड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के, तीनों पे कौन है आपके, कंज्यूमर है, यानी कि अब खाने वाले आ गए। पर खाने वाले में भी आपको ग्रुप डिवाइड किया है, पहले में प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शियरी है, जिसको आप बोल सकते हो टर्शियरी है, टर्शियरी होगा या टर्शियरी होगा, जो भी आपकी बुक में हो, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी आ गए यहाँ पे। जिसमें से प्राइमरी कौन होता है, हर्बीवर्स होते हैं, कौन से होते हैं, प्राइमरी हर्बीवर्स होते हैं, है ना। प्राइमरी यहाँ पे आप देखो तो प्राइमरी के बाद, प्राइमरी जो होते हैं यहाँ पे कौन आता है, सबसे पहले आपका प्रोड्यूसर, यानी कि जो ये ग्रास जो हो गया है ना, जो ग्रास हो गया या फिर प्लांट्स हो गए, वो आए। सेकंड पे कौन है, हर्बीवर्स, यानी कि गाय भैंस जो कि मतलब प्लांट्स को खाते हैं सिर्फ। उसके बाद सेकेंडरी पे कौन आता है, कार्निवर्स, कौन आते हैं, है ना। पर यहाँ पे स्मॉल कार्निवर्स होंगे, कैसे होंगे, स्मॉल स्मॉल कार्निवर्स होंगे, स्मॉल कार्निवर्स मतलब कि छोटे मोटे हैं, है ना, ऐसे। और इसके बाद क्या आता है, लार्जर कार्निवर, उसके बाद कौन आएगा, लार्जर कार्निवर्स, इसके अंदर कौन आएगा, लायन टाइगर, यहाँ पे कौन आया, स्मॉल, है ना, जैसे कि छोटे हो गए, जैसे मान लो कैट हो गया, कैट खाता है, डॉग भी खाता है ना, जो कैट होते हैं वो सब क्या खाते हैं, कैट आप जानते हो कि कैट जो होते हैं वो मांस मच्छी खाते हैं, है ना। तो यहाँ पे कैट वगैरह आ सकते हैं सेकेंडरी के अंदर। और टर्शियरी यानी कि एकदम लास्ट जो लेवल होता है ट्रॉफिक लेवल में, वो कौन सा होता है आपका, लार्जर कार्निवर, यानी यहाँ पे कौन आ सकते हैं, लायन हो गया, टाइगर हो गया, जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं जो कि मांस मच्छी खाते हैं, ठीक है, दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं, यहाँ पे टर्शियरी हो गया। तो ये आपका क्या है, ट्रॉफिक लेवल इन ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट आपका हो जाता है प्रोड्यूसर, सेकंड प्राइमरी, थर्ड टर्शियरी, सॉरी थर्ड सेकेंडरी और फोर्थ टर्शियरी कंज्यूमर। तो ये यहाँ पे दिख रहा है, कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, पॉइंट्स दिख रहे हैं वहाँ पे, हाँ ठीक है। वहाँ पे पहला जो पॉइंट है, वो पहला पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, द ग्रीन प्लांट इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी, है ना। यहाँ पे आप जानते हो इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है, जो भी प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट की एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करते हैं, और उस एनर्जी के अंदर से, सनलाइट की टोटल एनर्जी के अंदर से वो कितना यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1%। कितना, अगर आप देखो तो सनलाइट की एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ ये लोग कितना यूज कर रहे हैं, 1% यूज कर रहे हैं। और फिर बाद में आप अगर नीचे देखो वहां पे, व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देना, सेकंड पॉइंट के अंदर क्या है कि जब ये ग्रीन प्लांट्स को कोई भी ये खाते हैं, कंज्यूमर में से कोई भी, है ना, कंज्यूमर खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट से प्राइमरी कंज्यूमर अगर खा रहा है उसे, ठीक है, किसको, ग्रीन प्लांट को, ये कौन है आपके, ग्रीन, ये आपके हो गए ग्रीन प्लांट। अब ग्रीन प्लांट को कोई भी अगर मान लो प्राइमरी कंज्यूमर खा रहा है, इसके पास कितना सनलाइट की एनर्जी इसने लिया, 1%, 99% इसने नहीं ले सका। ये क्यों नहीं ले सका 99, क्योंकि वो 99 एक्स वाई जेड अदर एक्टिविटीज में लॉस हो जाता है, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ये 1% लेता। अब इसी 1% के अंदर से, है ना, जो प्राइमरी कंज्यूमर को सिर्फ और सिर्फ कितना मिलता है, इस 1% का उन लोगों को कितना मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 10% मिलता है, कितना, 10%, 1% का 10%, यानी कि एक का 10 गुना, कितना, एक का अगर 10 पार्ट कर दो, उसमें से एक पार्ट किसको मिलता है, प्राइमरी कंज्यूमर को। अच्छा, ये बाकी जो 90% है वो कहाँ चले गए, जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है उनके एनर्जी, है ना, आपकी ग्रोथ में चले जाता है आधा से ज़्यादा एनर्जी, है ना, आपके डाइजेशन में चले जाता है, आपके ग्रोथ में चले जाता है, और एनवायरमेंट में चला जाता है, अदर एक्टिविटीज में चले जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको कितना मिलता है, आपके पास सिर्फ 10% की एनर्जी बचती है, जो कि कहाँ पे जाएगा, किसी दूसरे के पास, है ना। मान लो आप सेकेंडरी कंज्यूमर पे जा रहे हैं, तो सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितना मिलेगा, इस 10% का भी 10%, कितना, इस 10% का 10% मिलेगा इसको, इस 10% का 10% मिलेगा, ठीक है। फिर इसके पास नीचे जाएगा सेकेंडरी, अगर इसको मैं परसेंट के हिसाब से ना बताऊं, फॉर एग्जांपल चलो मान लो ग्रीन प्लांट्स के अंदर कितने हैं, 1000 यूनिट है, कितने हैं, 1000 यूनिट की एनर्जी है ना, अब परसेंटेज में बस यहाँ पे
मान लो ग्रीन प्लांट ने सनलाइट से एनर्जी लिया, उसने अपना खाना बनाया और उसने कुछ एनर्जी अपने ऊपर यूज किया, किसके ऊपर, खुद के ऊपर यूज किया ग्रोथ के लिए, और अभी वो क्या करेगा, उसके पास 1000 यूनिट बचता है और ये 1000 यूनिट कहाँ पे जाने वाला है, प्राइमरी कंज्यूमर के पास। अब प्राइमरी कंज्यूमर के पास मान लो 1000 यूनिट गया है ना, तो इसमें से प्राइमरी कंज्यूमर क्या करेगा, इसका सिर्फ 10% है ना, इसका बाकी सब क्या करेगा, खुद के ग्रोथ के लिए, डाइजेशन के लिए खर्च करेगा, और इसका जो सिर्फ और सिर्फ 10% है वो सामने वाले को देगा, यानी कि ये सिर्फ है ना 100 यूनिट क्या करेगा, सामने वाले को देगा, 900 यूनिट ये खुद को यूज कर जाएगा, है ना, 900 यूनिट ये क्या करेगा, खुद से यूज कर जाएगा। अभी 10 जो 100 यूनिट है उसने किसको दिया, सेकेंडरी कंज्यूमर को। अभी ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर है 100 का भी ये क्या करेगा, ये 100 इसको मिलेगा, अभी ये 100 में से क्या करेगा, 90 खुद खाएगा और सिर्फ 10 यूनिट इसके पास बचेगा, जो कि ये क्या करेगा, प्राइमरी सेकेंडरी और टेरिटरी कंज्यूमर को ये देगा। कितना दिया इसने, सिर्फ और सिर्फ 10। अभी ये 10 यूनिट में से क्या करेगा, 9 यूनिट खुद यूज करेगा, सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा इसके पास, आगे देने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट बचेगा, और अभी आगे जिसको भी 1 यूनिट मिलेगा तो ऑब्वियस बात है उसका 1 यूनिट से काम नहीं चलने वाला है ना, 1 यूनिट से उसका काम नहीं चलने वाला है। तो इसीलिए इसका रीजन है ना, अपने पास सिर्फ और सिर्फ ये 4 ही लेवल है ट्रॉफिक लेवल के, अगर आप देखो तो टोटल कितने लेवल है, 1, 2, 3 और 4, उसका सिंपल सा रीजन ये है क्योंकि लास्ट तक जाते जाते एनर्जी जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो एक एमसीक्यू है इसके अंदर आपके पास कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होता है, सबसे ज्यादा जो एनर्जी होता है अगर आप देखो है ना, वो किसके पास है, ग्रीन प्लांट्स के अंदर, प्रोड्यूसर्स के पास होता है सबसे ज्यादा जो एनर्जी होता है, दैट इज इन द प्रोड्यूसर है ना, ऑटोट्रॉफ जितने भी होते हैं ऑटोट्रॉफ के, और मतलब अंडर में जितने भी आते हैं ना ऑटोट्रॉफ ग्रुप में जो भी होते हैं उनके पास क्या होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी है ना। एनर्जी की अगर बात करो तो सबसे ज्यादा किसके पास होता है, ऑटोट्रॉफ के पास होता है, ठीक है, वो अपने बाद में देखेंगे। तो ये इतना याद रखना है एमसीक्यू के लिए कि जो ग्रेटर एनर्जी है ना, ग्रेटर जो फूड एनर्जी है वो किसके पास होता है, प्रोड्यूसर के पास, इनके पास नहीं होता है ज्यादा एनर्जी है ना, इनके पास ज्यादा एनर्जी नहीं होता, सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है, ऑब्वियस सी बात है जो बनाता है उसके पास ही होता है। देखो यहाँ पे 1000 यूनिट किसके पास है, ग्रास के पास है ना, तो वहाँ पे वो वाला वो जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे यही लिखा हुआ है, तो आपको उस पॉइंट्स को पढ़ लेना है और वहाँ पे देखना और कुछ है क्या, ठीक है, वो थर्ड पॉइंट देखना, वहाँ पे दिख रहा है थर्ड पॉइंट, सिंस सो लिटल एनर्जी इज अवेलेबल, वो नहीं थर्ड पॉइंट सॉरी फोर्थ पॉइंट आप देखना, सिंस सो लिटल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर, फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 है ना, 3 और 4 स्टेप का रीजन क्या है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लेस एनर्जी है ना, लेस एनर्जी रिमेन रह जाता है, इसीलिए जो अपना ट्रॉफिक लेवल है दैट इज कंसिस्ट ऑफ ओनली है ना, जो ये अपना फूड का लेवल है, फूड चेन जो है वो 3 और 4 स्टेप के होते हैं, देयर आर जनरली ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल कहाँ पे होते हैं, और एक बात और याद रखना है, सबसे ज्यादा जो होते हैं है ना, ये बात भी याद रखना है, कोई भी ग्रुप के अंदर जो सबसे ज्यादा आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा वो किसके अंदर मिलता है, प्लांट्स के अंदर ही देखने को मिलते हैं ना, कहाँ पे, यहाँ तक आते आते ऑर्गेनिजम्स कम हो जाते हैं, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा एनर्जी और सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स भी है ना। आप देखो प्लांट बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं क्योंकि वो किसी के डिपेंडेंट नहीं है खाने के लिए। अगर आप देखो तो अगर आपने ये टेरिटरी कंज्यूमर्स की बात करें अगर है ना, लास्ट कंज्यूमर्स की अगर अपने बात करें, यहाँ पे क्या हो, ये लायन हो गया, अच्छा लायन लोग को आपको पता है, देखो लायन ये सब है ना एक्सटिंक्ट में है अपने इंडिया में, मतलब अभी पूरी तरह से खत्म होने वाले। उसका रीजन सिंपल सा क्या है, क्योंकि इन लोग को खाने के लिए कौन चाहिए, ये लोग को ऑर्गेनिज्म चाहिए है ना, यानी कि ऑब्वियस सी बात है ये लोग को एक कार्निवर्स एनिमल है तो घास वास खाते नहीं है, इन लोगों को कोई दूसरा इंसान चाहिए खाने के लिए, अब ऑब्वियस सी बात है वो लोग को मिलने वाला है नहीं है ना, सिंपल सा रीजन है। इसीलिए मतलब ये लोग खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, किसके ऊपर, फुल्ली ये लोग दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसीलिए ये लोग का जो किंगडम है ना, ये लायन लोग का, वो खत्म होने के एक्सटिंक्ट पे है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप अगर दूसरे के ऊपर, अगर आप किसी दूसरे के भरोसे हो तो कब तक जी सकते हो, खुद के पैरों पे खड़े होगे तो आप लंबा टिक सकते हो, पर अगर आप दूसरे के भरोसे हो तो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाओगे ना, तो ये रीज़न है ये लोग का। पर अगर आप देखो ये ग्रीन प्लांट्स के है ना, ये लोग खत्म होने के कगार पे, ग्रीन प्लांट्स देखो तो सबसे ज़्यादा है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर, ये इंडिपेंडेंट है, कैसे है ना, ये खुद का खाना खुद से बना सकते हैं, इसीलिए ये लोग का जो ग्रुप है ना, ग्रुप के अंदर जो ऑर्गेनिज्म से ये बहुत ज़्यादा है, किसके अंदर, ग्रीन प्लांट्स, प्लस एनर्जी भी इनके पास से सबसे ज़्यादा होती है, फिर धीमे 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 नीचे आता रहता है, ठीक है। इसके अंदर से कोई पूछता नहीं है वैसे, ये एमसीक्यू के लिए आपको सिर्फ याद रखना है, पहले प्रोड्यूसर है, दूसरे पे कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी है और टर्शरी कंज्यूमर, ये आपके पास
तीन लेवल के कैटेगरी कंज्यूमर्स आप है, ठीक है। तो ये आपके पास तीन चार लेवल के ट्रॉफिक लेवल आपके पास हो जाता है। फिर अगर आप पीछे बढ़े तो अपने यहाँ पे है, ठीक है, ऑटोट्रॉफ है, ठीक है। चलो अभी अपने पढ़ते हैं ना ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, अपने उसको देख लेते हैं, ठीक है। किसको बायोलॉजिकल मैग्नि, अच्छा ये फूड वेब फूड चैन का क्लियर हुआ क्या है? फूड वेब और फूड चैन है ना, यहाँ पे जो फूड चैन का, अच्छा आपको फूड वेब का है ना वो डेफिनेशन पूछते हैं तो उसको लिख लेना। लास्ट पॉइंट आपको दिख रहा है इसके अंदर, हाँ वो डेफिनेशन आपको देखो आता है तो आपको फूड वेब का डेफिनेशन आना चाहिए। हाँ लास्ट वाला पूरा शुरुआत, द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ, दिख रहा है? हाँ ये फूड वेब का दिख रहा है, इस कॉल्ड लास्ट में लिखा होगा, इस कॉल्ड फूड वेब वहां पे लिखा हुआ है, उसको पूरा ही टिक कर लेना लास्ट वाला। द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी फूड चैन ऑफ फूड चैन वेरी ग्रेटली, ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय टू और मोर अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इन टर्न आर ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म, सो इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फूड चैन द रिलेशनशिप कैन बी शोन एज अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन, जिसको कि आप क्या बोलते हो फूड वेब। ये वाला जो है आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, फूड वेब का जो डेफिनेशन है ना, आप फूड वेब का डेफिनेशन आपको आना चाहिए है ना। इंस्टेड ऑफ अ सिंगल सिंगल फूड चैन अपने क्या कर सकते हैं, फूड वेब को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है, वो आपको फूड वेब का डेफिनेशन आना चाहिए। पहले लिखते हैं आप देखो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजी का मतलब भी जानते हो आप, मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग ग्लास का ही मतलब सब लोग जानते हैं। उसका काम क्या होता है कि किसी भी छोटी चीज को वो क्या करता है, बड़ा करने का काम करता है मैग्नीफाइंग ग्लास, ऑब्वियस सी बात है, सही है ना? सही है ना, ठीक है, वो बड़ा करने का काम करता है। और बायोलॉजिकल मतलब क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जहाँ पे ह्यूमन बींग्स एनिमल्स और ये सब चीजें इन्वॉल्व हो सकते हैं, दैट इज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब इसके अंदर वास्तविकता में होता क्या है वो तो ठीक है, बोलने वाली बात हो गई, पर कुछ ऐसा ही है, लगभग है भी ऐसा ही, उसमें कुछ अलग नहीं है। इसमें है कि अगर आप देखो सिंपल सा इसमें काम अपने देखते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास मान लो ये क्या है, खेत है, फील्ड है, क्या है आपके पास, एक फील्ड है और फील्ड में क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स मतलब समझते हो फसल है, क्या है फसल। अब इस फसल का अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपने क्लास नाइन्थ के आई थिंक कौन से चैप्टर में पढ़ा था, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, 15वां चैप्टर था क्लास नाइन्थ का, 15 चैप्टर था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, आपने वहाँ पे कई सारी चीज़ें क्रॉप को लेकर पढ़ा था कि भाई ऐसा है वैसा है, ज़्यादा यील्ड चाहिए तो ये करो, ठीक है। कोई भैंस भी थी जहरीली, नहीं जहरीली भैंस नहीं, कौन सी भैंस थी, बहुत थी है ना, ठीक है, अलग अलग नाम थे दिखा था। यहाँ पे ध्यान देना, तो ये जो क्रॉप्स हैं, इस क्रॉप्स का अगर आपको अच्छा प्रोडक्शन चाहिए, अच्छा ग्रोथ चाहिए, तो आप करोगे क्या इसके अंदर, फर्टिलाइजर यूज करोगे, केमिकल्स। फर्टिलाइजर क्या होता है, खाद होता है, क्या होता है, खाद होता है, पर उसको खाया नहीं जाता, ये ऐसा वाला खाद होता है। तो फर्टिलाइजर केमिकल होता है, आप इस केमिकल को क्या करोगे पानी के अंदर, मतलब यहाँ पे इरिगेशन की करोगे आप, सबसे पहले पानी डालोगे, पानी सप्लाई करोगे इस क्रॉप को, और क्या करोगे आप उसके बाद, मतलब आप फर्टिलाइजर अंदर ऐड करोगे, क्या करोगे फर्टिलाइजर ऐड करोगे, और फर्टिलाइजर ऐड करने के बाद इसको पानी वानी आप देते हो। अब मेरी बात सुनो, फर्टिलाइजर होता क्या है वैसे, केमिकल फर्टिलाइजर मतलब क्या, आपने डाला अंदर केमिकल डाला, ये केमिकल इस प्लांट के अंदर डाला, और इस केमिकल की वजह से आपका प्लांट का जो ग्रोथ है बड़ा अच्छा होने वाला है, मतलब बहुत सारी फसलें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है, फसल आपको मिला, और ये फसल जो है आया मार्केट में आया, और इसको खाया किसने, इस फसल को खाता है इंसान, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो केमिकल्स थे वो किसके अंदर चले जाएगा, इंसान की बॉडी के अंदर केमिकल गया जाएगा कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है प्लांट के अंदर, देखो प्लांट कुछ ना कुछ केमिकल को कंज्यूम करेगा, और केमिकल मिला प्लांट को इसीलिए प्लांट का ग्रोथ अच्छा हुआ। अब यही प्लांट इंसान खा रहा है, मतलब इंसान की बॉडी के अंदर भी क्या गया, केमिकल गया है ना, केमिकल किसके अंदर गया, इंसान की बॉडी के अंदर। अब ये इंसान मान लो मरता है, ये इंसान मरेगा तो ये जो है वो किसके अंदर जाएगा, नहीं खेत में खाएगा, ये इंसान मर गया तो मान लो कोई लायन ने इसको खा लिया, किसने खा लिया, कोई लायन ने इस इंसान को, मान लो जंगल में ये गया था कुछ करने है ना, अरे स्कूल से छूटने के बाद बंक मारा था, जंगल चला गया, अब मान लो जंगल गया तो ये जंगल में कैसे भी इसकी मौत हो गई, मान लो उधर ही उम्र हो गई थी, तो क्या हो गई इसकी, हाँ
अरे वो सब बाद में बताएंगे आपको, कभी मिलना। तो ये बंदा जंगल में गया और जंगल में इसकी मौत हो जाती है, अचानक से हार्ट अटैक आता है सिद्धार्थ शुक्ला की तरह, और जंगल में गया और मर गया। तो इसको एक लायन ने देखा, लायन इसको खा गया। अब इसकी बॉडी के अंदर केमिकल था और लायन इसको खाएगा। देखो यहाँ पे कुछ केमिकल इसके पास था और वो केमिकल किसने ले लिया? इंसान ने ले लिया। पर इंसान इसके केमिकल लेगा, साथ साथ में नहीं पता और क्या क्या खाता है। तो ये कई सारे केमिकल को अपनी बॉडी में कंज्यूम करता है। इसकी 80 साल की उम्र थी तो इसने क्रॉप खाते, ये देखो रोज रोज क्रॉप खाता है। ये जो यहाँ पे ध्यान देना है असली, अच्छा स्कूल मैंने ऐसे बोला क्या? नहीं, वो जॉब पे गया था, जॉब जाते हैं 80 साल में जिसकी घर पर मजबूरी होती है, आपको नहीं पता है, मैंने देखा है। ठीक है, तो ये जो बंदा है वो इतना ज्यादा क्रॉप खाता है, मतलब रोज रोज वो क्या खाना तो खाने वाला ऑब्वियस बात है, और भी अलग अलग चीजें खाता है। तो इसकी बॉडी में सब क्या होता है? केमिकल। और इस इंसान को किसने खा लिया? किसने खा लिया? तो इसके अंदर जो केमिकल था वो सारे के सारे केमिकल इसके बॉडी के अंदर चले गए, और ये फर्दर और कई सारी चीजें खाता है केमिकल वाली। तो इसके पास केमिकल बढ़ते गया, है ना। इसके पास मान लो कुछ इतना केमिकल था, इस बंदे के पास कितना हो गया? इतना केमिकल हो गया। अब लायन के पास कितना केमिकल हो जाएगा? ये इसका डबल ट्रिपल, और भी ये कहाँ कहाँ से उठा के किसको किसको खाएगा। फिर लायन भी खत्म हो गया, ये किसके पास चला गया? मान लो किसी और, इसको टाइगर ने खा लिया। किसने खा लिया? इसकी बॉडी को किसी टाइगर ने खा लिया। अब टाइगर क्या करेगा? ये जो पूरा केमिकल है वो तो खाएगा ही और भी एक्स्ट्रा। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे जो केमिकल का कॉम्पोजिशन है ना, आफ्टर ईच एंड एवरी ट्रॉफिक लेवल अगर आप यहाँ पे देखो तो पहले केमिकल कम था, प्लांट के पास केमिकल कम था। प्लांट को ह्यूमन बींग पूरे अपने थ्रू आउट लाइफ कॉन्स्टेंटली खाता है, और भी कई सारी चीजें खाता है विच इज ऑफ केमिकल, है ना, उसके अंदर होता है। तो इसकी बॉडी में केमिकल वो बढ़ता है। अभी इसकी बॉडी के केमिकल्स को कौन खाता है? कोई दूसरा जो कंज्यूमर होता है ना, नेक्स्ट लेवल का कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर ये प्राइमरी कंज्यूमर है, देन इट इज ईटन बाय द सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर में ये केमिकल पूरा आता है, और भी क्या होता है इन एडिशनल, इट ऑल्सो हैव द फूड्स विच आर कंस्टिट्यूटेड बाय द केमिकल्स। ठीक है, तो इसके पास और सारे केमिकल्स आएंगे, यही मरेगा, है ना, आफ्टर इट्स डेथ। ये क्या जाएगा? टेरिटरी कंज्यूमर के पास आता है, इसको भी वो वाला केमिकल मिलेगा। इसको तो पूरे तीनों का केमिकल मिलता है लास्ट में जाके। और ये जो केमिकल है हर एक स्टेप के बाद, आफ्टर ईच एंड एवरी स्टेप द अमाउंट ऑफ केमिकल गेट्स एक्सटेंडेड। ठीक है, इट गेट्स मैक्सिमाइज्ड, है ना, हरदम अमाउंट ऑफ जो केमिकल होता है वो ज्यादा ही होते जाता है। और इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, जो पूरा प्रोसेस है केमिकल ज्यादा होने का, मैक्सिमाइज हो रहा है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सिंपल, है ना, ये आपका क्या हो जाता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये आपको आना चाहिए, ये एग्जाम के लिए काफी ज्यादा, है ना, ये एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? सिंपल, है ना, आप समझ गए। अच्छा ठीक है, ये तो मान लो एक तरीके से टेरेस्ट्रियल एनिमल के लिए हो गया। किसके लिए? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, यानी जो जमीन पे रहते हैं। पर पानी में रहते हैं वो, उनके पास कैसे केमिकल पहुंचता है? तो ये खेत के अंदर जो आपने केमिकल डाला, फिर बाद में आप प्लांट्स के अंदर क्या करते हो? खेत को पानी भी देते हो। अभी यहां से जो पानी है वो पानी क्या करेगा? बह के कहां पे चले जाएगा? रिवर में जाता है। और ये जो पानी है ना वॉश आउट होके बाहर जाता है। ठीक है, ये जो पानी वॉश आउट होके फ्लो होके बाहर जाता है, दूसरे रिवर में जाता है। किसका पानी? फील्ड का। आपका जो फील्ड है ना, आपका जो फार्म है, उसका पानी क्या करेगा? फ्लो होके कोई भी रिवर में जाएगा, या फिर कोई भी वाटर बॉडी के अंदर जाता है। और जाने के बाद यहाँ पे ये जो फिश लोग रहते हैं, है ना, ये फिश लोग क्या करते हैं? इस पानी, ऑब्वियस सी बात है, इन लोग की बॉडी के अंदर जाता है, या फिर ये पानी को ये यूज करते हैं। अभी यहाँ की जो केमिकल्स है वो किस बॉडी, किसके अंदर गया? फिश के अंदर चला गया। अभी ये फिश जब ऑफ हो जाता है तो इसको कोई दूसरा, मान लो वेल आ गया, बड़ा फिश आ गया, वो क्या करेगा? इसको खाएगा कॉन्स्टेंटली, वो कई सारी चीजों को खाते रहते हैं केमिकल्स वाले। तो ये इसके अंदर इतना केमिकल है, और इसके अंदर क्या हो जाएगा? केमिकल बढ़े। फिर इसको और कोई वाटर बॉडी खाएगा, जो भी हो सके, है ना। तो आप इसी तरीके से यहाँ पे भी केमिकल जो है ना, अगर आप देखो तो ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इस तरीके से कहाँ पे होता है? वाटर बॉडी के अंदर भी होता है ना, जो एक्वेटिक लाइफ्स हैं वहां पे भी आपको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन देखने को, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ, दोनों जगह पे आपको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन दिखता है। और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का सिंपल मतलब होता है जो आपका केमिकल है हर एक स्टेप बाद क्या होता जाता है? वो मैक्सिमाइज होता जाता है। और इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, और ये जो केमिकल्स होते हैं ना, अच्छा ये बात भी है कि यहाँ से आया केमिकल, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, और आप देखो तो केमिकल बढ़ते क्यों जाता है? क्योंकि केमिकल है ना डिग्रेडेबल नहीं होता है। वो कैसा नहीं होता है? मतलब वो डिकम्पोज नहीं होता है ना। जैसे मान लो आपने केले का अगर छिलका फेंक दिया तो वो 4 दिन के अंदर वहां से गायब हो जाता है, 10-15 दिन के अंदर। बट प्लास्टिक फेंक दो तो वो जिंदगी भर गायब नहीं होता है ना, यह बात आप जानते हो। क्योंकि वो कैसा है? प्लास्टिक नॉन डिग्रेडेबल। वैसे यहाँ पे ये जो केमिकल है ना वो भी नॉन डिग्रेडेबल है। कैसा है? नॉन डिग्रेडेबल। इसीलिए आफ्टर ईच एंड एवरी स्टेप
स्टेप क्या होता है, इट गेट्स मैक्सिमाइज्ड, है ना, वो बढ़ते ही जाता है ना, क्या होता है वो बढ़ते ही जाता है, या फिर आप बोलो इट गेट्स एक्यूमुलेटेड, है ना, मतलब ढेर उसकी बनती जाती है। अच्छा, और ये भी आप लोग बात याद रखें, सबसे ज्यादा जो केमिकल है वो किसकी बॉडी के अंदर होता है, ह्यूमन बॉडीज, नहीं नहीं प्रोड्यूसर नहीं, सबसे ज्यादा केमिकल किसकी बॉडी में आपको देखो पाया जाता है, क्योंकि आपकी लाइफ सबसे ज्यादा होती है, आप देखो तो ह्यूमन बॉडी का जो लाइफ होता है वो सबसे ज्यादा होता है, 80 ईयर्स के आप होते हो, और आप रोज कहीं ना कहीं चीजें खाते रहते हो, है ना, इतना एनिमल्स को नहीं मिलता, लायन को फिक्स नहीं है सुबह खाना मिलेगा शाम को दो वक्त की रोटी मिलेगी, पर आपको फिक्स है, और आप यानी रोज आप कॉन्स्टेंटली क्या करते हो, है ना, एवरी आर आप केमिकल्स के आसपास जुड़े हुए, आप केमिकल्स खाते रहते हो, इसलिए जो सबसे ज्यादा केमिकल एक्यूमुलेट होता है वो किस चीज के अंदर एक्यूमुलेट होता है, ह्यूमन बॉडीज, इसके अंदर एज ए एमसीक्यू याद रखना है कि सबसे ज्यादा केमिकल्स किसके अंदर होता है, तो ऑब्वियसली बात है ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसका रीजन भी है क्योंकि आपको फिक्स टाइम पे फिक्स इंटरवल पे आपको खाने पीने का मिलते रहता है, और हर चीज जो है आज के टाइम पे केमिकल फ्री नहीं है, तो इसीलिए आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा केमिकल होता है, कैसे ये फॉर्म हुआ, कैसे ये बना, है ना, कैसे, तो ये अर्थ है, और अर्थ है ना, अगर आप देखो तो अर्थ किससे कवर्ड है, एटमोस्फियर से, किसे, एटमोस्फियर, है ना, सराउंडिंग एयर वगैरह जो है उसे कवर है। तो आप अगर एक ऊपर जाते हो, यहाँ पे ऊपर तकरीबन इतना ऊपर अर्थ की इतने ऊपर कुछ एक सर्टन अमाउंट की हाइट पे आप अगर पहुंचते हो, तो एक लेयर आता है ऐसे सर्कल आउट है पूरा सर्कल, जिसको कि आप क्या बोलते हो, ओजोन, ओजोन लेयर, जिसका कि ओ थ्री होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ओ थ्री, केमिकल फॉर्मूला इसका क्या होता है, ये जिस ये जो लेयर है ना, ये जो एक यहाँ पे आप देखो लेयर बना हुआ है, ये लेयर का किस से बना हुआ है, ये लेयर ओ थ्री से बना हुआ है, इसको आप ओ थ्री बोलते हो, क्या बोलते हो इसको, ओ थ्री, है ना, ये ऑक्सीजन के थ्री मॉलिक्यूल से बना हुआ है, इसलिए आप ओ थ्री बोलते हो, ये ओजोन लेयर है, ये क्या है, ओजोन लेयर, और ये ओजोन लेयर का काम क्या है, सवाल ये उठता है, पहले तो देख लेते हैं ये बना कैसे, पहले क्या देखेंगे बाद में काम होंगे, ये ओजोन लेयर बना कैसे, आप देखो तो यहाँ पे हाल में ऑक्सीजन है, बिल्कुल है, और ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में है पता है आपको, नीचे O2 के फॉर्म में है, O3 के फॉर्म में नहीं है, वरना अगर ये O3 के फॉर्म में होता तो इसको भी ओजोन लेयर बोलते हैं, ऑक्सीजन देखो ऑक्सीजन कभी भी अकेला नहीं होता है, ये पता है क्या आपको, कैसे पता है ये बता दो मेरे को, तो ये मान लो जो नीचे है ना हाल में जो ऑक्सीजन आपको यूज कर रहे हो आप, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ O2, किसके फॉर्म में, अभी ये जो O2 के फॉर्म में ऑक्सीजन आप इसको यूज करो, पर आप जैसे थोड़ी ऊपरी जाते हो, है ना, एट सर्टन हाइट ये O2 क्या बन जाता है, O3 बन जाता है, अब ये हुआ कैसे, सवाल ये उठता है, क्या होता है, हुआ कैसे, आखिरकार हुआ तो यहाँ क्यों नहीं हुआ, ये भी सवाल है, हुआ तो यहाँ नहीं, वहां पे ऊपर ही क्यों हो रहा है, तो बहुत समय पहले क्या हुआ था, बहुत समय पहले कि बहुत समय पहले क्या हुआ करता था, हर जगह ना O2 ही था, क्या था हर जगह, आप ऐसे, ये वो चनाक लोमड़ी वाली स्टोरी नहीं है, ऐसे आप बैठ के सुन रहे हो, ये आप देखो तो ये साइंटिफिक स्टोरी है, कैसी, कुछ बच्चों को तो यहाँ पे कुछ तो कैसे होते पता है आपको, नहीं नहीं कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, धरती गोल है कि चिपटी है, मेरे बाप का क्या रहता है, जी रहा हूँ ना बस साले, शांतिश तू जी रहे जी, वरना इधर से उड़ा देंगे बुलेट लेके तेरे को, ठीक है भाई कोई बात, उनको समझना ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कुछ क्यों है, उनको नहीं जानना है, फैक्ट वैक्ट होता है ना, कुछ लोग बहुत लोग फैक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई ऐसा है क्यों मेरे को बता, और कुछ ऐसे होते हैं है ना, खाओ खुजाओ सो जाओ, ईट स्लीप और रिपीट वाले टाइप के इंसान होते हैं, धरती गोल है कि कुछ भी हो मेरा क्या जाता है भाई, मैं रह रहा हूँ ना, दो वक्त की रोटी मिल रहा है ना कहीं से कहीं, बस खत्म, इट्स ओके इट्स इनफ, उनको कुछ करना नहीं है, पर देख लो तो बहुत समय पहले ये सब O2 था, कैसा था ये सब, ये बहुत समय पहले वाला वर्ड एक्चुअली स्टोरी में यूज होता है ना, है ना, बहुत समय पहले एक राजा थी एक रानी थी, ठीक है ठीक है, तो बहुत समय पहले की बात कर रहे हैं, तो हर जगह O2 था, O3 था ही नहीं, O3 ये बोलते बोलते तो शायद बहुत पीछे हो गया होगा, समझ लो आप, हर जगह O2 था, क्या था हर जगह, कोई भी लेयर हो मतलब हर जगह O2 का ही दबदबा था, हर लेवल पे O2 था, तो यहाँ पे सनलाइट हुआ करता था, क्या हुआ करता था, सनलाइट तो बहुत समय से ही है भाई, यहाँ पे सनलाइट की एनर्जीज आती थी, और सनलाइट की एनर्जी जैसे यहाँ पे आती थी तो O2 तो यहाँ पे हर जगह ऊपर हो चाहे नीचे हो सब जगह क्या था भाई, O2 ही था, नीचे भी अर्थ का सरफेस मान लो ये है, तो अर्थ के सरफेस के आसपास तो O2 था ही, पर ऊपर भी क्या था सब O2, अब ये जो सनलाइट आया,
सनलाइट की इंटेंसिटी बड़ी तेजी से होती, पता है ना आपको, सनलाइट के पास आप जाओगे तो कैसे हो जाओगे, कैसे हो नहीं जाओगे पता ही नहीं चलेगा, कैसे हो जाना तो अलग बात होता है ना, पता ही नहीं चलेगा। मान लो आप, तो इधर जो सनलाइट की इंटेंसिटी है बड़ी तेजी से है कंपेयर टू इधर, इधर तो कम है, इधर इंटेंसिटी कैसा है, कम है, नहीं तो अपने मर नहीं जाते क्या, इधर कम है पर इधर बड़ा ही ज्यादा था। और इधर ज्यादा होने के कारण क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन है जो कभी अलग होता नहीं है, इनकी जोड़ी को जो कभी अलग कर नहीं सकता, पर इसकी इंटेंसिटी इतना ज्यादा थी कि यहाँ के जो ऑक्सीजन, कुछ कुछ ऑक्सीजन जो थे, सब नहीं, यहाँ के जो कुछ कुछ ऑक्सीजन थे वो क्या हो गए भाई, O प्लस, सब नहीं हुए ध्यान, कुछ कुछ क्या हो गए, O2 के मॉलिक्यूल से स्प्लिट हो गए और कैसे हो गए, O प्लस, और कुछ कुछ तो O2 ही थे, यहाँ पे भी कुछ कुछ कैसे थे, O2 ही थे, थोड़े बहुत कैसे हो गए, O, कुछ बहुत यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टूट के, क्यों टूटे, क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ द सनलाइट वॉज सो एक्सट्रीम दैट द ऑक्सीजन कुडंट रेजिस्ट, वो रेजिस्ट ही नहीं कर पाए बेचारे टूट गए, पर फिर भी वो अलग नहीं रह सकते। ये बात देखो, मैं जो बोला हूँ वो साला सच रहेगा, फिर चाहे सनलाइट आए चाहे कुछ भी आए, मैंने एक बार बोल दिया बात खत्म, ऑक्सीजन कभी भी अकेला नहीं रह सकता, ये बात मैंने आपको शुरुआत से मैं आपको रखते आ रहा हूँ कि ऑक्सीजन कभी भी अकेला नहीं होगा, ये अलग हो गए पर ये अकेले नहीं माने, इसके आजू बाजू जो दूसरे O2 मॉलिक्यूल्स बचे हुए थे उन्होंने इसके साथ क्या कर लिया, दोस्ती कर लिया, क्या कर लिया, और क्या बन गए, O3, है ना, ऐसे ही बहुत ऊपर, एट सर्टेन हाइट बहुत ऊपर क्या हो गया, कई सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टूटे, पर वो बेचारे अकेले ना रह सकते हैं, है ना, उनको हम सफर की जरूरत था ही जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तो उन्होंने दूसरे O2 के साथ दोस्ती कर लिया और बन क्या गया, सभी जगह आप देखो तो ये पूरा जो लेयर है ऊपरी वाला वो क्या हो गया, O3 लेवल हो, O3 लेयर होता है, और इसी तरह से O3 जो है वो फॉर्म होता है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में होगा, ठीक है, आप बाद में कभी देखेंगे, कभी जब चालू करेंगे वापस, तो ये O3 लेवल हुआ, तो इस तरह से O3 फॉर्म हुआ। इसको अच्छा फॉर्म किसने किया बता सकते हो, O3 को, अगर सूर्य अपना एनर्जी देता ही नहीं सनलाइट तो ये फॉर्म भी नहीं होता, तो इसको पैदा करने वाला कौन है, सन है, आप जिस छाली में खा रहे हो उसी को छेद कर रहे हो, ये वाला सवाल है, सन ने इसको फॉर्म किया, और इसका पता है फंक्शन क्या है O3 का, जो सनलाइट की एक्सट्रीम रेज होती है ना, रेज अल्ट्रा वायोलेट रेज जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हो, यूवी रेज, है ना, मतलब सन की एकदम तगड़ी जो किरण होती है, ये इसका काम क्या है पता है, उथरी का, ये उसको अंदर आने नहीं देता है, जो सनलाइट की बड़ी, जो सन की बहुत ही तगड़ी रेज होती है ना, तगड़ी रेज, ये इसको अंदर यहां से ही वापस से पीछे भेज देता है, और अगर अंदर आ जाए तो इससे दिक्कत क्या होगा, बड़ा कैंसरस होता है वो, कैसा होता है, इंसान को स्किन कैंसर कर सकता है, क्या कर सकता है इंसान को, है ना, वो जो सनलाइट की यूवी रेज होती है दे आर वेरी कैंसरस, अगर वो अंदर आ जाए तो वो इंसान को क्या कर देगा, बड़ा हार्मफुल है वो, इंसान को कैंसर, स्किन कैंसर पहुंचा सकता है, तो अपने को ये प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, ओजोन अपने को क्या कर रहा है, एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है ना, कैंसरस रेज से अपने को क्या कर रहा है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है और वापस से यूवी रेज को उधर भेज दे रहा है ना, इसका काम क्या है, तो अपने को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। अगर आप देखो इसको जिसने बनाया ये उसी को धोखा दे रहा है, समझ बात, बनाया सनलाइट ने इसको और ये सनलाइट को वापस से क्या कर रहा है ना, तारामंडल में भेज दे रहा है, सोलर सिस्टम में जा तो अंदर मत आ, सनलाइट को वापस दे रहा है, तो ये आपका ओजोन है और ये इस तरीके से फॉर्म हुआ था। और तकरीबन इसको 1980 में क्या हुआ था, एंटार्क्टिका में, या फिर 1980 एग्जैक्ट मेरे को डेट नहीं याद है, पर पाया गया था कि, अच्छा हाँ एक चीज़ और है कि ये ओजोन लेयर में पाया गया था कि छेद हो रहा है, क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, क्या हो रहा है, डिप्लीट मतलब क्या हो रहा है, अंदर होल हो रहा है, क्या हो रहा है इसके, और अगर मान लो पूरा होल हो जाएगा ओजोन में तो ऑब्वियस बात है इंसान को खतरा हो जाएगा, क्योंकि कैंसरस यूवी रेज आपकी बॉडी पे आके सीधा गिरेगा। तो पता चला कि ये जो यूवी, ये जो अपना है ना, इसके अंदर क्या हो रहा है, होल हो रहा है, डिप्लीट होते जा रहा है। और इसका रीजन क्या पाया गया 1980 में, इसका रीजन बताया गया कि जो यहाँ पे डिप्लीट हो रहा है उसका रीजन है कि जो आप एसी और रेफ्रिजरेटर यूज करते हो, फ्रीज और एसी वगैरह जो आप यूज करते हो, ये जो गैस रिलीज करता है एसी और फ्रीज, वो गैस का नाम क्या होता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, आपने नाइन्थ में भी पढ़ा था, ये गैस का नाम क्या होता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, है ना, क्लोरोफ्लोरो कार्बन सीएफसी गैस होता है जो कि एसी और रेफ्रिजरेटर रिलीज करते हैं, कुछ कुछ एरोजोल स्प्रेस के अंदर भी होते हैं, परफ्यूम के अंदर, ये इतना ज्यादा हार्मफुल होता है, ये जाके सीधा, ये गैस ऊपर जाते जाते जाके सीधा ओजोन लेयर को क्या करता है, O3 को, यानी ये वापस से स्प्लिट कर देता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, धीमे धीमे क्या हो रहा है, छेद होता है। ये 1980 में पाया गया, जिसके बाद कि यूएनईपी ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, इन्होंने क्या किया, डिसीजन लिया कि भाई अभी जो भी एसी और रेफ्रिजरेटर बनेंगे उसके अंदर ये गैस आपको
नहीं यूज करना है, कौन सा? क्लोरोफ्लोरो, ठीक है। और एक बार एक्चुअली ये भी हुआ था कि एंटार्क्टिका में जो ये छेद पाया गया था वो एंटार्क्टिका में पाया गया था, तो एंटार्क्टिका में ओजोन लेयर पूरा हट गया था जिसकी वजह से सनलाइट डायरेक्ट गिर रही थी। और एंटार्क्टिका में ज्यादा करके वहां पे ग्लेशियर्स है, पता है आपको, ग्लेशियर्स यानी जो बर्फीले पहाड़ है, क्या है? बर्फीले पहाड़। और वहां पे जितने भी बर्फ के पहाड़ थे वो सारे के सारे क्या हो गए? मेल्ट डाउन हो गए, पिघल गए, है ना, पूरी तरह से वो क्या हो गए थे? मेल्ट हो गए थे, पानी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। और वहां पे क्या हो गई थी? बाढ़ हो गई थी, है ना, धीमे धीमे सब वहां के जितने भी बर्फीले पहाड़ थे वो सब क्या होने लगे? धीमे धीमे वो, है ना, मेल्ट होने लगे, पानी के फॉर्म में आने लगे, और जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बाढ़ आ गई थी, प्रॉब्लम हुई। और उसके बाद ये सब जो है सीएफसी का यूज़ जो है कम कर दिया, ये सब एक्सरसाइज है। तो ये था ओजोन का स्टोरी जो कि आप बचपन से शायद सुनते, ये कोई नहीं बताएगा आपको, सब चालाक लोमड़ी बताएंगे, मेरे को पता है। तो मेरे स्कूल में क्या हुआ कि जो 90+ वाले थे, जो एक ग्रुप होती थी भाई, सो कॉल्ड टॉपर्स की ग्रुप जो हुआ करते थे, वो लोग ये सब स्टोरीज की बात करते थे, ओजोन ओजोन वाले उधर खूब बैठ के, नहीं O3 टूटा था, वो बोले नहीं O2 टूटा था। तो पीछे से एक लड़का आता है वो बड़ा ही कमजोर है, कोई चिल्ला रहा है O2 टूटा था, कोई चिल्ला रहा है O3 टूटा था, कोई चिल्ला रहा है O5 टूटा। पीछे से एक लड़का आता है बोलता है भाई सब छोड़ो, मेरा दिल टूटा था उस समय और इसकी वजह से ओजोन लेयर फॉर्म हो गया, इतना तगड़ा असर पड़ा इसको O2 में, वो देख के पिघल गया बेचारा, और पिघलने के कारण वो अलग-थलग हो गया।